नमस्कार इंडिया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्वांट पर, और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन को। दोस्तों, ये है पार्ट नंबर टू। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, एंड ऑफकोर्स उस फॉर्मूले को याद करने का मैंने आपको ट्रिक दिया था। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फॉर्मूले और ट्रिक्स पर ही। तो क्या डिफरेंस है इस वाले पार्ट में पिछले पार्ट से? दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको जो बड़े बड़े फॉर्मूले थे, जो जैसे कि आप मेंसुरेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब के जो बड़े फॉर्मूले होते हैं उनके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं उनको याद करने का, उनको सॉल्व करने का ट्रिक बताया था। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम लोग सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे मोटे सारे फॉर्मूले को हम लोग यहां पर कवर करेंगे, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कुछ उसमें चेंज किया जाता है फॉर्मूले में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है और कह देता है कि क्यूब की जो साइड है उसमें हम लोग एक्स परसेंट का चेंज कर दें, मतलब कि अगर मान लेते हैं साइड 10 सेंटीमीटर है और उसमें 5 सेंटीमीटर उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज वो सब हम लोग इस लेसन में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको फॉर्मूला पढ़ने नहीं पड़ेगा अगर आप इस लेसन को देख लेते हो तो, क्योंकि मेंसुरेशन में इससे ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लेते हो तो आपको इसी टाइप के अच्छे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है कि अगर हम लोग कोई भी ले लें, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही है, आपका कोई भी आपका डायग्राम हो, अगर उसकी कुल लंबाई का योग निकाला जाए तो उसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप को यहाँ पर आपको निकालना है तो क्या होगा, अगर आपकी ये साइड मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है, तो इस हिसाब से आपका जो परिमाप होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर आपको परिमाप पूछा है तो आप किसी का भी परिमाप निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसकी साइड आपको दिया हुआ है x एंड y, तो इसका पूरा परिमाप क्या हो जाएगा, x और ये वाला भी x, तो x प्लस x, और ये y और ये वाला भी y, तो y प्लस y, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y, ये आपका पैरामीटर आ जाता है किसी भी रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसी टाइप से सब कुछ लिखा लिखा है आपको मिलेगा, सारे फॉर्मूले को आप पॉज कर करके देख लीजिए। मैं बस इतना समझाता जाऊंगा कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब कुछ आपका मेंशन किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया है कि कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको हर एक पेज में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो आपका काम बस इतना है कि आप पेज को पॉज कीजिए और उसके बाद सारे फॉर्मूले को या तो याद कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारे पेज को। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और सारे जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं वो सब वही हैं, बी आपका बेस है, एच हाइट है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है एरिया का, ये जिसमें एस जो होता है दोस्तों, एस के बारे में अगर बात करें तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम अपॉन में टू, यहाँ पे कैपिटल एस होता है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पैरीमीटर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तीनों का अलग अलग यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपको ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है आपके लिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले मिल जाए और आप वीडियो को पॉज करके, बार बार मैं कह रहा हूं वीडियो को पॉज कीजिए और सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। जैसे यहां देखिए दोस्तों, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एरिया होता है हाफ बी स्क्वायर, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में दोस्तों चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो डायगोनल, दो विकर्ण होते हैं और टोटल एंगल 360 होता है। ठीक है, तो इनके एरिया वगैरह का क्या फॉर्मूला बनेगा, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए पेरीमीटर दिया है सबसे पहले, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिए। डी वन डी टू क्या है दोस्तों, विकर्णों का है, डी वन से पहला विकर्ण, डी टू से दूसरा विकर्ण दिया हुआ है। एस यहाँ पर जो है दोस्तों, एस ये देखिए, वहां पे मैंने ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बताया था, यहाँ चार साइड है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आयत की बात करें तो आयत भी क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लंबाई इसकी
और चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबाई मतलब कि दो अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से एरिया में थोड़ा सा चेंज आता है। एरिया है, पैरामीटर है, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे वर्ग के बारे में भी बताया है, एरिया पैरामीटर, इससे भी दो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद कर लेनी चाहिए। अब समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज में आपको एक और नया सिंबल मिलेगा, वो है स्मॉल एच मतलब की हाइट। उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे एरिया की बात करें तो अगर हम बेस इंटू हाइट यहां से भी निकाल सकते हैं, ये है पेरीमीटर आपका। सम चतुर्भुज देख लीजिए, सम चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो हाफ दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, और पेरीमीटर 4 × L होता है। यहाँ पर जो एल की वैल्यू है दोस्तों वो होगी आपकी हाफ रूट ओवर D1 + D2 और D1² + D2², ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। असमांतर चतुर्भुज की अगर बात किया जाए, जैसे कि ट्रेपेजॉइड ले लेते हैं, तो ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला एरिया और पैरामीटर ये है। सर्कल में घुस जाता है। सर्कल क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसा लोकस होता है, एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसमें कोई एक पॉइंट जो है वो एक सर्टेन पॉइंट से कंटिन्यू एक सर्टेन डिस्टेंस पर मूव करेगा, मतलब कि ये जो दूरी है ये हमेशा इक्वल रहेगी, जो कि हम लोग जिसको त्रिज्या आर कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारी चीजें दिया है, जैसे डायमीटर दिया हुआ है, एरिया पेरीमीटर सब कुछ दिया है, डायमीटर है, एरिया है, पेरीमीटर है। अगर अर्धवृत्त की बात करें तो उसका एरिया और पेरीमीटर हाफ हो जाता है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन पेरीमीटर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डायगोनल भी मिलने लगेगा, क्योंकि आपका अर्धवृत्त ये होता है, तो पाई आर तो ये होगा, लेकिन डायमीटर को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 2 आर आपको वो भी ऐड करना होगा। उस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पे सारे फॉर्मूले जो भी दिए हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में है। समबाहु त्रिभुज में आपके अंदर इसके दिया है अंतःवृत्त, परिवृत्त, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब पे ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सबको भी अच्छे से याद कर लीजिए। अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है यहाँ पे मेंशन है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग इन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसके थ्रू। ए क्या है, ए आपका इसका साइड दिया हुआ है, ए जो है वो आपका ट्रायंगल का साइड। आगे है दोस्तों कि अगर आयताकार डिब्बा हो, जैसे कि एक घर मान लीजिए, उसमें फर्श होता है, चार दीवार होती है, इन सब का कॉन्सेप्ट का लेते हुए ये सब आपको दिया है कि इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार और फर्श दोनों का क्षेत्रफल और छत का भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये सारे क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं ये पूरा दिया है। सामान्य बहुभुज का क्षेत्रफल आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी बहुभुज हो सकता है, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, उनकी कुल भुजाएं इस तरीके से आप निकाल लो। अगर षटकोण का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और नीचे कुछ दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ आपका है कि बहुभुजों के नाम दिए हुए हैं और उनमें कितनी साइड्स होती हैं ये दिया है, और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। एस का मान जो होता है दोस्तों वो बहुभुज की भुजा है, मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको न याद करना चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बस इतना ध्यान ले लें कि किस बहुभुज में कितनी साइड होती है, बस इतना आप जान लें। आगे दोस्तों बहुभुज के बारे में ही है, जैसे कि बोल रहा है कि एन समान भुजा वाले बहुभुज का अगर सबका कोण थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यह है एन एन माइनस, यह है एन बाई टू माइनस सॉरी एन बाई एन माइनस टू अपॉन एन इंटू में 180। एन क्या है, इसकी भुजा है, मतलब कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक। उस तरह से चक्रीय चतुर्भुज की अगर बात करें तो दोस्तों एक चतुर्भुज जिसके चारों तरफ से एक वृत्त गया हो, चारों भुजाओं को छूता हुआ, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, और एस की वैल्यू आपको पता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू ही होता है। इस कंडीशन में दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल और पैरामीटर ये सारे ये फॉर्मूले बदल जाते हैं, जिनको भी आपको ध्यान दे लेना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर फर्श पर कारपेट बिछाने का खर्च पूछे तो आपको क्या करना होगा कि प्रति मूल्य कितना मीटर, कितना प्रति मीटर के हिसाब से मूल्य है वो आप देख लो, फर्श का क्षेत्रफल और कारपेट की चौड़ाई इसका डिवाइड कर दो, आप ये डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। तो इस टाइप के ट्रिक आप दोस्तों यहाँ पे यूज कीजिएगा मेंसुरेशन में, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना कि एक फर्श है उसकी लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है तो उस पर कारपेट बिछाने का खर्च कितना होगा अगर प्रति मीटर कारपेट का मूल्य इतना हो तो। तो इस तरीके से दोस्तों अब देखिए वर्गाकार टाइल्स लगाते हैं तो वो कितना होगा, उसका खर्च कितना आता है, ये सारी चीजें आपको इस फॉर्मूले से मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें चारों तरफ एक पथ बनाया जा रहा है ऐसा, ठीक है, डब्लू चौड़ाई का, तो उस वक्त पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, और दो पथ बनाए जाएं तब क्या होगा। तो इस तरीके से जो भी है ये सारी चीजें आप पढ़ लो, इसको पॉज करके वीडियो को, और सब कुछ आप देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंसुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं।
आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे आपका दिया हुआ है, अब इसमें वर्ग दिया हुआ है, आयत दिया था, वर्ग दिया है, वर्ग के ही बाहर अगर हमें चौड़ाई का, कुछ डब्ल्यू चौड़ाई का अगर कोई पथ बना लेते हैं तो क्या एरिया होगा, क्या क्षेत्रफल होगा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और उसी तरीके से वृत्त का है दोस्तों, एक वृत्त के बाहर या अंदर अगर कोई पथ बना दिया जाता है तो उस हिसाब से उसका डायमीटर क्या होगा नए वृत्त का, या पूरा एरिया कितना होगा, केवल पथ का एरिया कितना होगा, ये सारी फॉर्मूले आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे थोड़े और इंपॉर्टेंट चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मान लीजिए कि वही चीजें हैं, जैसे कहता है कि अगर कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई में इतना परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे एक्स परसेंट का और वाई परसेंट का परिवर्तन किया जाए तो क्षेत्रफल में इतना परसेंट का परिवर्तन आएगा। ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली याद कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि एक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, केवल वाई में हो रहा हो, वाई में ना हो रहा हो, केवल एक्स में हो रहा हो, तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इनको भी याद कर लो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि आपके वृत्त में या क्षेत्र उसमें आयत में या त्रिभुज में इतना प्रतिशत की परिवर्तन किया जा रहा है, घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो आयतन में जैसे 3D है तो आयतन में और 2D है तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें। ये अभी तक तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों 2D की, अब 3D पे भी आ जाते हैं। तो 3D में पहला है घनाभ, घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल ये होता है, विकर्ण ये होता है, इस तरीके से आप। अब देखिए घन के बारे में भी अगर आपको जानना है तो घन हुआ, बेलन हुआ, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। ठीक है, आयतन, क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, और भी बहुत सारे डायग्राम्स है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए घन और बेलन ही हुआ, अभी गोला बचा है। देखिए गोला हो गया, अर्ध गोला हो गया, कोण मतलब शंकु, ये सारे फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। और इन सारे फॉर्मूले को 3D के मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूले हैं इन सारे का मैंने ट्रिक भी बताया था कि याद करने की ट्रिक क्या है, वो आप वीडियो नंबर फर्स्ट में देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोज वहां पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप कुछ भी मेंसुरेशन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला दोस्तों, वो अंतःवृत्त हो, परिवृत्त हो, या खोखला गोला हो, भरा हुआ गोला हो, खोखला बेलन हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में बनता है तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नियमों को भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा आयत है और इसको आप कुछ इस तरीके से लपेट करके एक बेलन बना लेते हो, ये कुछ ऐसा बेलन बनता है, मतलब लंबाई के सापेक्ष इसको लपेटोगे तब आयतन कितना होगा, और इसको आप ऐसा कुछ चौड़ाई के सापेक्ष लपेट रहे हो। ठीक है, इसको ऐसे लपेट रहे हो तब आयतन कितना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन कर देते हो ठीक है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर क्योंकि बेलन है तो बेलन में क्या होगा, त्रिज्या होगी और ऊंचाई होगा, तो त्रिज्या में एक्स परसेंट का और ऊंचाई में वाई परसेंट का आपने चेंज किया तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अनुपात के आधार पर देखिए तो आयतन जो होता है दोस्तों वो आर क्यूब के और एरिया जो है आर स्क्वायर, मतलब आर जो है वो त्रिज्या भी आप ले सकते हो, अगर त्रिज्या कहीं पे जैसे मान लीजिए गोला हुआ, वृत्त हुआ, अगर घन है तो आर दोस्तों आप इसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए, उस हिसाब से अगर देखें तो जो हमेशा आयतन होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया हमेशा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगर दोनों को एक साथ कंज्यूम करें तो हमें मिलता है वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब कि आयतन का वर्ग बराबर एरिया क्षेत्रफल का घन। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो इस लेसन को आप अच्छे से सारे फॉर्मूले देख लो, अगले लेसन में हम लोग और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले को पढ़ेंगे। ठीक है, और उनपे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, ट्रिक्स देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख लो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा रहा है कि एच न बदले, आर न बदले, वी न बदले, तब क्या कंडीशन होगा, कौन किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सारी चीजें दिया हुआ है। देखिए उसके बाद कोण के बारे में है, फिर यहाँ पर देखिए गोले के बारे में है कि अगर आर त्रिज्या का गोला पिघला कर स्मॉल आर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं तब गोलों की संख्या क्या होगी, ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, और कई सारे गोलों को मिला के एक बड़ा गोला बनाया जाए तब क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान देना जरूरी है। तो जिस तरीके से 3D डायग्राम और 2D डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एक और आता है आपका प्रिज्म और पिरामिड, तो प्रिज्म और पिरामिड भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसके आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, ये सारी चीजें दिया हुआ है। ऊंचाई में भी कई टाइप की ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, ये सारे फॉर्मूले आप देख लो। इसमें भी आपका समचतुष्फल की है, ठीक है, और बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ओवरऑल ये वीडियो आपका केवल इसीलिए है ताकि आपके पास सारे फॉर्मूले पहुंच जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा फॉर्मूले आपको मेंसुरेशन में नहीं मिलने वाले। ठीक
जितने भी फॉर्मूले आपके सामने हैं दोस्तों, आपका बस इतना करना है कि वीडियो को पॉज कीजिए और सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कोन है, कोन को कुछ ऐसा काटा गया है कि ये बाल्टी का शेप ले लिया है। ठीक है, कोन आपका पता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसको यहाँ से काट दिया गया है, तो ये बाल्टी का शेप ले लिया है। अगर इसको बढ़ाएं तो कुछ ऐसा ये बनता। ठीक, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे दो त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर दो मिलेगी, तो उस हिसाब से आपका जो आयतन होगा वो क्या होगा, तिरछी ऊंचाई, क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम शंकु को घुमाते हैं गोल तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना चाहिए, सारे फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले याद करोगे तभी तो आगे काम होना है। तो अभी तक तो मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले दिए बस इतना ही थे, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है मेंसुरेशन में। अगर आप इतने अपने दिमाग में रन करा लेते हो, आप याद रख लेते हो, तो इससे ज्यादा फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा रिविजन टाइप आप कह लो कि 2D फॉर्मूले जो है उनका रिविजन देख लो आप, वर्ग, आयत, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, सबका एरिया और पैरीमीटर, हाइट, या जब 3D में आएंगे तो वॉल्यूम, ये सारी चीजें एक बार फिर से मेंशन किया गया है। कुछ है नहीं, केवल एक बार रिपीट किया गया है सारे फॉर्मूले को, आप फिर से देख लो, सारी चीजों को नोट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप नोट नहीं करते तो यहाँ देखिए एक अच्छी चीज मिली कि दीर्घवृत्त का देखिए सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। दीर्घवृत्त का सर्कमफ्रेंस आपको नहीं याद होगा, ठीक है, तो जैसे वृत्त का आपको पता है 2πr होता है, और लेकिन दीर्घवृत्त का क्या होता है, एलिप्स का क्या होता है आपको नहीं पता, तो इस तरीके से आप निकाल लो। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ देख लो। यहाँ पे 3D डायग्राम है, जैसे घन, गोला, बेलन, ये सब है, आप सब इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए इस वक्त कि आप किसी भी तरीके से इन सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और सारी यादें कर याद कर डालो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और बेल ऑन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और शेयर कमेंट करते रहना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आगे जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका मेंसुरेशन धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।